विदाउट इंडिकेटर ऐसे कैसे जा सकते हैं भाई? कितना सारा चक्का है यार ये गाड़ी का। बाइक का हॉर्न का कुछ एक इशू दिया था तो ऑल सेट टू लीव। बट गाइस उससे पहले आप लोग को एक जन से मिलवाना है, स्पेशल वन एक है उनके साथ मिलवाना है, तो पहले उनसे मिल लेते हैं एंड उसके बाद राइड के लिए निकल जाते हैं। चलो तो गाइस ये है हम लोग का फैमिली का न्यू मेंबर लियो बोल के मैं इसको बुलाता हूँ। बस 2-3 दिन हुआ ये हम लोग का घर पे आया हुआ, अभी ये सो रहा है। अपकमिंग वीडियोज पे लियो को आप लोग देख पाओगे, तो इसको आराम करने देते एंड मैं अभी निकलता हूँ। चलो गाइस। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विद माय अनदर वीडियो। तो मैं आके पहुँच चुका हूँ जलपाई मोड़, और यार काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और आज है मंडे। देखो यार इतना हैवी ट्रैफिक और एम्बुलेंस को साइड क्यों नहीं दे रहा है। वो एम्बुलेंस शायद से मेडिकल कॉलेज का तरफ जा रहा है और ट्रैफिक सिग्नल। मैं तो थोड़ा धूपगुड़ी का तरफ जा रहा हूँ, धूपगुड़ी का तरफ। और कहाँ पे जाना हो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, मिलना मिलना कभी मिलना। ओके ओके ओके। हाँ तो गाइस जो बात मैं कह रहा था कि एम्बुलेंस का अंदर जो आदमी होता है ना, उनका जो टाइम है वो हम लोग का टाइम से बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। हम लोग का अगर 2 मिनट अगर लॉस भी हो जाता है ना, तो वैसा भी कुछ हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा। एम्बुलेंस का अंदर जो आदमी मौत का साथ लड़ रहा है उनको तो यार, आप लोग को तो इतना तो आइडिया होना चाहिए। तो इसी के लिए एज ए गुड ह्यूमन बींग आप लोग को ये चीज़ हमेशा नज़र पर रखना चाहिए कि हमेशा एम्बुलेंस को अगर जहीं पर भी आप लोग देखो, थोड़ा सा उनके लिए जो है जगह बना दिया करो यार। इतना रिक्वेस्ट मेरे तरफ से आप लोग को है जो लोग मेरा वीडियोस वगैरह देखते हो। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हो, तो सिलीगुड़ी टू धूपगुड़ी जो डिस्टेंस है वो है 80 किलोमीटर्स एंड गूगल मैप पे जो टाइम दिख रहा है वो दिखा रहा है 1 आवर एंड 53 मिनट्स। सो लेट्स सी कितना टाइम पे मैं उधर पे जाके पहुँचता हूँ, कैसे कैसे कितना जल्दी गूगल मैप से आगे मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं पाता हूँ। अभी का टाइम हो रहा है 11:46 और मैं अभी फुलवाड़ी पहुँचने वाला हूँ। ये जो है ये हम लोग आ चुके हैं 4 लेन पे, 4 लेन हाईवे। बट यार इधर भी कुछ कांड होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सामने ए साइड से भी ट्रक, उसके बाद 4 व्हीलर्स वगैरह आते रहता है, बाइक्स तो आता ही है। सो ऑलवेज गाइज आप लोग जब भी ये जलपाईगुड़ी वाला हाईवे पे जब भी यार राइड करो, एकदम से केयरफुली राइड करना। जैसे 4 लेन तो है ये रोड, जो 4 लेन ही होता है। बट यार इधर का रूल्स वगैरह वैसे कोई मेंटेन करता है नहीं, अपोजिट लेन से सब कोई टांता बांधता रहता है। सो ऑलवेज जब भी आप लोग ये वाला जलपाईगुड़ी हाईवे पे राइड करो, ऑलवेज बी केयरफुल, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ऊपर चलाओ, मेरा राइडिंग स्टाइल कोई भी कॉपी नहीं करो। बस यही आप लोग से मेरा एक गुजारिश है। विदाउट इंडिकेटर ऐसे कैसे जा सकते हैं भाई? मतलब इन लोग बस ऐसे ड्राइवर बन गया है यार। और उधर पे लेफ्ट हैंड साइड का मिरर है, उधर पे देखो पीछे कोई बंदा आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरा भाई एक अच्छा खासा स्पीड पे था, तभी देखा कि वो जो पिकअप है वो ऐसे लेन चेंज कर रहा है। कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ऐसे कैसे होता है। Thank you.
गाइस और एक नमूना रॉन्ग लेन होके जा रहा है। बहुत कोई ऐसे करके हम लोग बोलते हैं कि रोड अच्छा नहीं है, रोड अच्छा है। देखो यार, अच्छा रोड पे भी आदमी लोग मतलब रॉन्ग लेन से ज़्यादा है, और ऊपर से हाईवे है इधर पे, जो हम लोग का बाइक या तो फिर जो भी व्हीकल वगैरह चलता है वो काफ़ी एक अच्छा स्पीड लिमिट मेंटेन करता है। फिर भी यार ये सब चीज़ अगर होता है तो क्या ही बताओ। अगर ऐसा होता कि वो वाला जो लेन है उस पर काम हो रहा है तब इधर से वो पास हो रहा है तब जाके जो है बात अलग होता है, बट यार कुछ नहीं है ये सब चीज़ पे बताने का, कुछ भी नहीं है। तो ये रहा टोल प्लाजा, जो कि हम लोग को जलपाईगुड़ी जाने का समय मिलता है। तो अभी हम लोग को सामने मिलेगा फाटापुकुर, एंड उधर से हम लोग को उसके बाद का जो सिटी है वो मिलेगा जलपाईगुड़ी। ओ भाई साहब, कितना सारा चक्का है यार ये गाड़ी का, माय गॉड। मस्त अभी तक इसका परफॉर्मेंस है गाइज। NS 200 BS4 का मॉडल है ये, और जब भी मैं गाइज इसको चलाता हूँ ना, मतलब मेरा मूड जैसा भी हो, मेरा मूड ख़राब हो, मेरा मूड अच्छा हो, हैप्पी हो, जो भी हो, जब भी मैं इस बाइक को राइड करता हूँ मैं इतना इन्जॉय करता हूँ जो मशीन है इसको राइड करने में। तो सामने वाला ये जो फ्लाईओवर है इससे हम लोग अगर तुरंत आगे जाके अगर राइट का टर्न अगर ले ले तो हम लोग पहुंच जाएंगे जलपाईगुड़ी। सो लगभग हम लोग जलपाईगुड़ी आगे पहुंच ही चुके हैं। तो अभी का टाइम थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस, अभी का टाइम हो गया 12:11। तो मैं फुलबाड़ी में था 11:46, तो 56:06। तो जलपाईगुड़ी एंटर करते करते हम लोग को 24-25 मिनट लग गया फुलबाड़ी से, मतलब सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी घुसते घुसते वही कुछ 24-25 मिनट लग गया। और आप लोग अगर गाइस बाइक राइड करते हो तो आप लोग को एक जो चीज़ है बहुत ही अच्छा से आप लोग को ये चीज़ अपना माइंड पे ये चीज़ को डालना पड़ेगा कि हर किसी का राइडिंग का जो स्टाइल है अलग होता है, हर किसी का राइडिंग स्किल जो है वो डिफरेंट होता है। तो उसी के लिए हमेशा जो है किसी को देख के अपना राइडिंग का स्टाइल जो है उसको मतलब कॉपी मत करो। तो मैं भी कभी भी किसी का राइडिंग स्टाइल कॉपी नहीं करता हूँ गाइस, मैं भी अपना जो ओन मेरा स्टाइल है मैं उसी हिसाब से मैं बाइक को हमेशा राइड करता हूँ। मेरा तरफ से आप लोग को एक रिक्वेस्ट यही है कि अपना कैपेसिटी के अंदर ही राइड करें, अपना जितना कैपेबिलिटी है उसके अंदर ही राइड करें। ओके गाइस, सो इधर पे बाइक का हॉर्न का कुछ एक इशू दिया था तो उसी को मैंने अभी ठीक कर लिया। बाइक का हॉर्न अभी चल रहा है, ठीक है अभी सारा कुछ। एंड गाइस क्या है कि और एक जो बात है कि इतना गर्मी है तो इतना गर्मी में यार हमेशा जो है पानी पीते रहना चाहिए राइड का दौरान। तो उसी के लिए मैं सोचा कि इधर पर पानी भी पी लेता हूँ, एंड उसके बाद धुपुरी इधर से और ज़्यादा दूर है नहीं, 35 किलोमीटर जैसा ही है। और राइड का दौरान हमेशा पानी कैरी किया करें क्योंकि यार इतना धूप है, इस पर खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। वेलकम टू तीस्ता ब्रिज, और उधर से जो है उधर से रेल पास होता है। और यार मानसून का टाइम पे तो ये जो आप लोग को वाइट वाइट ये जो सैंड सब दिख रहा है ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता है, एंड ये है तीस्ता नदी। इस रोड का साइड पे चारों तरफ ये जो
आलू का पूरा खेती है उधर से, अभी आलू को पैकेट पे भरा जा रहा है। एंड दूर से तो यार काफ़ी सुंदर सा एक व्यू मिल रहा है। आज का राइड का पहला खराब रोड ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है गाइस, ये सब तो मिलना ही है। ये कौन सा जगह है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं काफ़ी बार धूपगुड़ी बाई बस आया हूँ तो रेलवे क्रॉसिंग है, ये भी मिलता था। दोनों तरफ का व्यू देख रहे हो गाइस, चारों तरफ ऐसे मिट्टी से थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा छोटा पहाड़ जैसा दिख रहा है धूपगुड़ी। फ़ोन पे बात कर रहे हैं अंकल जी और मैं इधर पीछे से हॉर्न मारते जा रहा हूँ। मैं जब ए साइड से उनको क्रॉस करने गया तो उनका जो गाड़ी है थोड़ा सा इस तरह बढ़ा है, दूसरे के लिए मैं फिर से हॉन्किंग किया तो देखता हूँ कि भाई साहब फ़ोन पे बात कर रहा है। ये रहा आज का दिन का सेकेंड टोल प्लाजा। भांगोर हाट, ये जो लोकेशन का नाम है ये है भांगोर हाट, और धूपगुड़ी इधर से ज़्यादा 10 किलोमीटर होगा। एंड देखो गाइस अभी का जो टाइम हो रहा है वो रहा है 12:45। ऐसे ही एक फ्लाईओवर है, जलजगा ब्रिज जो है वो मेरे को इतना याद आ रहा है कि धूपगुड़ी से थोड़ा सा पीछे पे रहता है, मतलब 1 किलोमीटर दूर पे रहता है जलजगा ब्रिज। एंड वो जलजगा ब्रिज को क्रॉस करके ही जो है हम लोग को मिल जाता है धूपगुड़ी। और अभी मैं आप लोग को बस एक ही बात कह सकता हूँ गाइस कि लॉन्ग राइड अब होने को है और आगे का वीडियोस पे आप लोग को लॉन्ग राइड्स का अपडेट वगैरह मिलता रहेगा, तो उसी के लिए जो है अभी वीडियो को भी, ये वाला वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो एंड साथ पे बेल जो बटन है उसको भी प्रेस कर दो, जैसे कि न्यू वीडियो अपलोड होते आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। और भी अच्छे से मेरे से कनेक्ट होने के लिए गाइस आप लोग को मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, आप लोग का कुछ भी बातचीत है तो आप लोग उधर से मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। एंड देखो गाइस धूपगुड़ी आके पहुँच चुका हूँ, सो धूपगुड़ी सिटी पे मैं इंटर कर चुका हूँ ये, तो गाइस धूपगुड़ी पहुँच गया हूँ। सो एक जगह पे रुकते हैं, रुक के आप लोग से बात भी करना है। हाँ ये रहा धूपगुड़ी का बस टर्मिनल शायद से यही था। यस गाइस सो आके पहुँच चुका हूँ धूपगुड़ी। हाय गाइस, सो अभी का जो टाइम हो रहा है गाइस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, तो देखो गाइस अभी का टाइम हो रहा है 12:54 एंड मैं आके पहुँच चुका हूँ धूपगुड़ी। ये है धूपगुड़ी का बस स्टैंड जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो पे दिखाया, तो गाइस गूगल मैप से तो मैं पहले ही आके पहुँच चुका हूँ। सो वही आई होप कि आप लोग को ये जो वीडियो है ये वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। एंड वही है, अभी मैं थोड़ा सा पहले फ्रेश हो लेता हूँ एंड उसके बाद मेरे को आप लोग से और भी कुछ बात है वो उसके बाद मैं करता हूँ आप लोग से। चलो मतलब गाइस मैं इससे पहले लास्ट टाइम इधर पे खाया था आज से करीबन 10-12 साल पहले, तब मेरा एज शायद से 11-12 था ऐसा कुछ। एंड अभी उसके बाद फिर से मतलब मैं आज इधर पे खा रहा हूँ एंड सच बताऊँ ना गाइस तो ऐसा रोटी तड़का मैंने कभी भी नहीं खाया था और आज भी उसका टेस्ट वैसा ही है एंड काफ़ी टेस्टी है। और ये रहा अंकल जी जो कि मेरे को इधर पर फिर लेके आया, और ये जो लोकेशन है गाइस ये है झाझरन की, और सबसे अच्छा जो चीज़ है ये हवा का कि इधर पे सब कुछ इधर पे सेल्फ मेड बनता है, सारा कुछ अचार वगैरह पिकल वगैरह सारा कुछ जो है लोग का हाथ से बनाया जाता है। और ये रहा, ये है गम का रोटी, मतलब टेस्ट इसका एकदम अलग ही है, सच में काफ़ी अच्छा रहा आज का लंच। तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं उसके बाद फिर निकलना पड़ेगा फॉर सिलीगुड़ी।